गुजरात में साल 2000 में हुए गोधरा दंगों का दर्द आज भी वहाँ के लोगों के सीने में दफन है। एक तरफ भाजपा इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसके लिए भाजपा को कोसती है, लेकिन दंगों में अपना घर बार गंवाने वालों से उनका दर्द कोई नहीं पूछता। वहीं अब 2002 के गोधरा दंगों को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है, जिसके वजह से जूता पॉलिश करने वाला एक आदमी जिसका नाम है अशोक मूची, जिसकी फोटो उस समय मीडिया द्वारा काफी ज्यादा इस्तेमाल की गई थी और उसे उस टाइम आतंकवादी की संज्ञा भी मीडिया द्वारा दे दी गई थी। वहीं अब अशोक ने एक मीडिया चैनल को अपना बयान देते हुए एक वीडियो जारी किया है, जो आपको देखना चाहिए। आप एक बार ये वीडियो देखिए। काफी मेरी तस्वीर को तीस्ता शीतलवाड़ और मीडिया वालों ने काफी यूज किया था और उसमें मुझे बहुत बड़ा आतंकवादी और बजरंगगढ़ का एक्सप्रीन सैनिक दिखाते थे और मेरी तस्वीर को नरोड़ा पार्टी और ग्लोबल सोसाइटी में यूज करते थे। ऐसा सुना आपने दोस्तों, अशोक का साफ साफ कहना है कि 2002 के दंगों में मेरी तस्वीर पूरे देश में वायरल की गई, मुझे आतंकवादी से भी खतरनाक बताया गया था। तिस्ता शीतलवाड़ मामले में मुझे कभी सच्चाई दिखाने का मौका नहीं मिला, दंगों में मेरी तस्वीर का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। वहीं आपको बता दें कि साल 2002 में गुजरात में गोधरा दंगे के बाद अशोक मूची का नाम काफी उछाला गया था और इसे उस दौरान हमलावरों का मुख्य चेहरा माना गया था। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने शनिवार को अपने खिलाफ गुजरात SIT के आरोपों का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि अहमद पटेल का नाम विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मुझे लगता है कि उनके पिता के नाम में अभी भी वजन है, इसीलिए राजनीतिक फायदे के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आरोप सही है तो तिस्ता शीतलवाड़ को UP की सरकार में राज्यसभा सांसद क्यों नहीं बनाया गया। उन्होंने ये भी पूछा कि 2020 तक आखिर इस सरकार ने इतनी बड़ी साजिश की जांच क्यों नहीं करवाई। वहीं अशोक मूशी का बयान वायरल होने के बाद लोग 2002 के गोधरा दंगों पर खुलकर बोल रहे हैं। एक ट्विटर यूजर का कहना है कि हाथ में वेपन लेकर क्या पोज मार रहा था दंगाई, वैसे इसके साथ तो गलत किया भाजपा ने, कहीं का छोटा मोटा पार्षद तो बनाना ही था। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि तो फिर इसके हाथ में क्या है और ये ऐसी पोजीशन में क्यों खड़ा है, पीछे आग लगी हुई है, इसने आज तक क्यों नहीं बोला कि गलत कर रहा है मीडिया, वैसे आज तक जिंदा भी है सफाई देने के लिए, नींबू पानी तो अभी बेच रहा है, भाजपा ने इसका नींबू निचोड़ के छोड़ दिया। एक और यूजर ने कहा कि इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, देखो जिनके इशारे पर दंगे करोगे, तलवार चलाओगे, निर्दोषों को मारोगे, वो अमीर नेता AC बंगले कारों में घूमेंगे और तुम्हारे जैसे दो रुपल्ली दंगाई ऐसे ही रोड किनारे दो वक्त की रोटी के लिए भटकोगे, इसीलिए इनमें ना पड़े भाईचारे में रहे। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसे और भी खबरें पाने के लिए देखते रहे MIM News Express।